हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। और अभी हो रही है सुबह, सुबह के बज रहे हैं 10:30। तो यहाँ मैंने बाकी का काम सारा निपटा लिया है, फिर निपटा के मैं थोड़ी देर बैठ गई थी और बाहर पड़ने लगी नी बूंदे, थोड़ी सी बारिश होने लगी थी। और जो मैंने कपड़े जो धुल के डाले थे ना, तो वो हल्के हल्के गीले से हो गए हैं। तो जो कपड़े अच्छे से सूख गए हैं वो मैं यहाँ पे तह लगा के रख दूंगी, जो भी अपने सूख गए हैं, और जो गीले गीले हैं ना वो मैं यहाँ पे टांग दूंगी। जो भी जो मैंने छोटी सी एक रस्सी बांध रखी है इधर की साइड में, तो वहाँ पे मतलब दो दो तीन कपड़े आराम से आ जाते। ज़्यादा बड़े तो नहीं है क्योंकि ज़्यादा बड़ा रूम भी नहीं है ना, तो इस वजह से उसके हिसाब से थोड़ी छोटी सी रस्सी बांध रखी है इधर की साइड में मैंने। तो यहाँ पे बाकी अपना मैं यहाँ पे अपना काम वाम करके ना, ठंड काफ़ी हो रही थी तो मैंने आज शॉल वगैरह भी देख ही सकते हैं आप लोग, जैसे बूंदे पड़ रही थी ना, तो इसी वजह से मैं अपना काम बस ऐसी ठंड में ऐसी कर रही हूँ, निपटा रही हूँ। और बच्चे जो हैं वो इधर सोफे पे बैठे हुए हैं आराम से, और प्रिंस के पापा गए हुए हैं अपने काम पे, और काम पे गए थे तो हमने नाश्ता वास्ता करके और अपना वो काम पे चले गए थे। नाश्ते में हमने बनाए थे आज पराठे और अचार, बस इतना ही बनाया था, अचार और पराठे से खाया था हमने आज का नाश्ता। और मैं फिर यहाँ बैठ जाती हूँ ब्लैंकेट में, और फिर थोड़ी सी मौसम सही हो गया था तो हम यहाँ छत पे आ गए थे। और छत पे आने के बाद देखा धूप निकल रही थी, मतलब जितनी बारिश हम सोच रहे थे इतनी बारिश हुई नहीं थी, बस बूंदे बूंदे पड़ी थी। क्योंकि हमने रूम नहीं खोला था ना, तो हमें पता भी नहीं थी कि बारिश पड़ रही है। हल्की हल्की बूंदे पड़ रही थी लेकिन इतनी जोर से, अगर जोर से पड़ती तो अंदर सुनाई आती रूम के अंदर, तो आई नहीं, तो मतलब थोड़ी बहुत पड़ी। उसके बाद में अच्छी सी धूप निकल गई तो यहाँ हम छत पे आ रखे हैं। और उधर गौरी, उधर जो कृष्णा और प्रिंस जो थे वो नीचे, जो किचन है हमारा, किचन जो किचन और बाथरूम जो है, तो उसकी छत पे थे दोनों, ये खेल रहे थे। जो मैंने लकड़ी डाल रखी है ना, तो वो लकड़ी मैंने साइड में बोला था मैंने रख दो, देखिए धूप अच्छी निकल रही है। और गौरी प्रिया भी ऊपर छत पे हैं, और जो करिश्मा है वो, और यहाँ मैं वो दिखा रही हूँ आपको जो मैं रीता रीता जो है जिसके घर गए थे, तो ये जो वो कंपनी दिखाई दे रही है आपको, रेड सी लाइन वाली जो कंपनी, वो उधर की साइड रहती है काफी, मतलब दूर नहीं है इतना और पास भी नहीं है, अच्छा खासा दो दो गली छोड़ के फिर काफी वैसे पड़ जाता है। और यहाँ दिखा रही हूँ मैं आपको अपने आसपास का नजारा, और ये जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना आपको बहुत सारे, तो प्रिंस के पापा जो है वो यहीं इधर जिधर पेड़ है तो उधर की तरफ को इनकी कंपनी है, तो वहीं वह काम करते हैं। और छत पे आज हम काफ़ी टाइम बाद आई हूँ मैं, कम से कम 2-3 महीने में छत पे आई हूँ, छत पे आती ही नहीं हूँ मैं ज़्यादा, क्योंकि रहते ही हम दूसरी वाली छत पे हैं, तो छत पे आके फिर क्या करेंगे, वही नज़ारा यहाँ से दिखाई देगा, वही नज़ारा वहाँ से दिखाई देगा, तो इसलिए छत पे आते ही नहीं है, बहुत कमी से आते हैं घूमने के लिए। और यहाँ ये कबूतर कबूतर बैठे उधर उधर, कबूतर को दिखा रही थी, कबूतर झूला झूल रहा है, देखिए दिख रहा है आपको, तार पे झूला झूल रहा है, और इधर इधर बैठी है दूसरा कबूतर, ये बैठा है सामने आमने सामने बैठे हैं दोनों, बातें कर रहे हैं पता नहीं क्या क्या आपस में। और यहाँ पे देखिए आज काफी लोगों ने अपने, काफी दिन बाद जैसे धूप निकली ना अच्छे से, तो अब कपड़े वपड़े सब अपना, और ये जो बच्चे सामने दिखाई दे रहे हैं इतनी जोर से चिल्लाए, तो हमने सोचा पता नहीं क्या हो गया, एकदम से बहुत जोर से चिल्लाए थे ये बच्चे, तो हमने सोचा पता नहीं लड़ाई हो गई कि किसी के चोट लग गई, पता नहीं ऐसे कुछ सोचा था, लेकिन भगवान की कृपा से किसी का कुछ नहीं हुआ, अच्छी बात है। और इधर बच्चे इधर की साइड में खेल रहे हैं, और अब हो गई है शाम, और सीधे शाम को मिल रही हूँ मैं। शाम को ये जो आलू मैं साफ करके रख रही हूँ, क्योंकि काफी टाइम से बोल रहे थे और काफी टाइम से हमने खाए भी नहीं थे, बहुत टाइम से बोल रहे थे। बाहर की चीज हम ज्यादा मतलब एकदम से, सॉरी चीज नहीं मतलब समोसे जो है मैं इतनी नहीं पसंद करती ज्यादा, एकदम से किसी किसी की पसंद आते हैं, तो आज ना बहुत दिनों बाद हम बना रहे हैं समोसे। और यहाँ मैं आलू को धो के और मैं यहाँ पे उबलने के लिए रख दे रही हूँ, और बच्चे अभी खेल रहे हैं, मतलब रूम में ही हैं, बाहर नहीं है क्योंकि शाम हो गई है ना,
और शाम को तो आपको तो पता ही है, फिर मतलब बाहर ठंड में नहीं भेजा कर जाता है ना बच्चों को, तो मैं इसलिए अंदर ही बैठा रखा है मैंने उन्हें डांट के। और यहाँ मैंने उबलने के लिए रख दिया, मेरे आलू भी उबल चुके हैं, और आलू उबलने के बाद मैं इन्हें थाली में निकाल लूंगी। तो पहले मैं तो चिमटे से निकाल रही थी, तो चिमटे से फिसल रहे थे बहुत ज्यादा, तो फिर मैंने यहाँ से ना चाकू से निकाल लूंगी इसे। चाकू से निकालने के बाद और इसे फोड़ फाड़ के बस अपना ठंडे करके फोड़ के और रख दूंगी, फिर अपने उधर अपना दूसरी तैयारी करने लगेंगे। तो यहाँ मैं जो मैंने आलू उबाले तो फिर मैं इसे ना हाथों हाथ ही धो के रख दे रही हूँ, क्योंकि फिर ज्यादा बर्तन हो जाते तो फिर दिक्कत होती है एक साथ में, क्योंकि सिंक वो छोटा सा है ना, तो इस वजह से ज्यादा बर्तन इसमें आते नहीं, और ये स्लिप ना इसी वजह से गीला रहता है क्योंकि मैं बर्तन धो के इस पे रखती हूँ, ये कभी नहीं सूखता, मतलब बहुत कमी से। गर्मी होती तो बहुत अच्छा सा रहता है, गर्मी में तो इतना वो नहीं रहता, लेकिन हाँ सर्दियों में तो बहुत ज्यादा, सर्दी में बरसात में। तो यहाँ मैं ना हींग वगैरह ढूंढ रही, वो सॉरी वो ढूंढ रही थी, घी का डब्बा है, घी का डब्बा वो मैंने इसमें रख दिया था। तो यहाँ मेरे जो समोसों की जो पिट्ठी होती है अंदर की स्टफिंग, तो वो मैं यहाँ पे अब रेडी कर ले रही हूँ। और मतलब ज्यादा मैंने तेल मसाला, ज्यादा जो मसाला वसाला होता वो मैंने नहीं डाला, क्योंकि मसाले से ना पता नहीं क्यों मेरे जलन सी होती है सीने में एकदम से ना, ज्यादा तेज नमक का या ज्यादा मसाले वाला खा लेती हूँ तो मेरे सीने पे जलन होती बहुत ज्यादा, तो मैं इस वजह से नहीं खाती हूँ इतना। तो यहाँ ये जो मटर है और हरी मिर्ची है, तो ये बस ये डाल दे रही हूँ मैं इसमें भूनने के लिए, और उसके बाद मैं बस इसमें आलू डाल दूंगी, उसके बाद जो भी अपने थोड़े बहुत हल्दी और मिर्ची नमक और बस यही सब डाल के और इन्हें अच्छे से फ्राई कर लूंगी, बस यही डालती हूँ और कुछ नहीं डालती इसमें। एक हाँ आमचूर पाउडर, क्योंकि मुझे समोसे में थोड़ी सी ना हल्की सी खटास सी पसंद है, हल्की सी, तो मैं आमचूर पाउडर डालूंगी, बाकी तो अपना वही हल्दी और मिर्ची नमक बस यही अपना डाल के और इसे अच्छे से भून लूंगी बस, और इसे अच्छे से भून लूंगी मैं। हल्दी मिर्ची जो है वो पहले मैं इसलिए नहीं डालती क्योंकि वो पता नहीं एकदम से जैसे तेल तेल में भूनते तो वो जलती जाती हैं, अगर जैसे प्याज वगैरह साथ में भूनते हैं तो उसके पानी से थोड़ी बहुत वो एकदम से नहीं वो होती हैं, मतलब जलती हैं, और अगर तेल में डालती हूँ तो जल जाती है, तो मुझे उसका ज्यादा इतना वो नहीं लगता। तो मैं इसी में ही ना हल्दी वल्दी डाल के इसी को ही खूब अच्छे से पका लूंगी, खूब अच्छे से ना, जैसे 2-3 मिनट के लिए अपने ढक के इसको अच्छे से वो पक जाएगी, मतलब उससे तो कच्ची जैसी हल्दी की वो आती है ना खुशबू वैसे नहीं आएगी। तो यहाँ देखिए मेरी पिट्ठी भी रेडी हो चुकी है और अच्छे से मतलब वो पक गई है ना, देखिए अच्छे से पक गई है, कढ़ाई से मैं आराम से छूट के आ रही है। और प्रिंस तो बोल रहा था मम्मी मुझे मतलब ऐसे ही दे दो, मैं ऐसे ही पिट्ठी खाऊंगा, तो फिर मैंने बोला मम्मी नहीं बेटा, इसको पहले भगवान को भोग लगाना, तो इस वजह से बाद में देंगे। तो कह रहे कोई नहीं मम्मा। तो यहाँ देखिए अब हम तीनों माँ बेटे बेटी समोसे बेलने लगे हैं, हमारे समोसे भी रेडी हो चुके हैं, और यहाँ हमने तीनों ने मिलके समोसे छोटे छोटे बनाए थे, हमने ज्यादा बड़े बड़े नहीं बनाए, छोटे छोटे समोसे बनाए थे। और ये प्रिंस बोल रहा था मम्मी ऐसे रखो ऐसे रखो, रंगोली बना रहा था, कहता मुझे रंगोली बनानी है, और उधर उधर इसमें गौरी की कारस्तानी है, ये गौरी ने ऐसे करके सारे रख दिए समोसे इकट्ठे देखिए करके। दोस्तों मेरे पापा आ गए हैं ड्यूटी से, देखिए और इन्होंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। हेलो दोस्तों, राम राम, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, हम भी ठीक हैं। आइए मैं दिखाता हूँ प्रियंका क्या कर रही हैं। तो ये देखिए प्रियंका ने समोसे तल दिए हैं और उधर चाय बन रही है। तो ये देखिए प्रियंका बैठी है चूल्हे पे और ये समोसे तल रही हैं। और हमारे वहाँ पे ना अभी धीमी धीमी बारिश भी होने लगी है, हमारे वहाँ पे मौसम अच्छा हो गया, मौसम बदल गया है। तो आइए मैं दिखाता हूँ थोड़ा, अभी देखिए हल्की हल्की बूंदे आनी चालू हो गई हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है, मौसम देखिए ऊपर। तो चलिए तो ये देखिए दोस्तों समोसे बन गए हैं।
तो देखिए ठंडी ठंडी हवा चल रही है बाहर और हल्की हल्की बूंदें पड़ रही हैं, ठंडा मौसम हो रहा है और ये ठंडी ठंडी में गरम गरम समोसे का आनंद लेते हुए हमारी शाम यही। खाना तो बनेगा नहीं क्योंकि इसी से पेट भर जाएगा हम लोगों का, तो खाना तो बनाएंगे नहीं तो इसी से ही पेट भर जाएगा, यही खा के हम लोग बस। तो देखिए दोस्तों यहाँ ये लोग खाने बैठ गए हैं और खाने भी शुरुआत कर दी है। वहाँ हमने अपनी माता रानी को पहले भोग लगाया, उसके बाद में अब हम खाने लग गए हैं। मतलब मैं नहीं खा रही हूँ, ये लोग खा रहे हैं। और देखिए प्रिंस के पापा खा चुके हैं, गौरी भी खा रही है, बढ़िया लग रहे हैं। तो भैया लाल चटनी के साथ एकदम मजा। तो यहाँ जो प्रिंस के पापा की जो फ्रेंड है तो उनकी उनकी दुकान है ना यहाँ पे हरिद्वार में, तो ये उनके वहां से समोसे लेके आए थे तो वो चटनी रखी थी, कल लेके आए थे तो वो चटनी रखी थी, तो वही यूज कर रहे हैं। और लाल चटनी मैंने करी है, ये जो है लहसुन लहसुन की है और लाल मिर्ची की है, तो ये लोग उससे खा रहे हैं। और यहाँ देखिए और कुछ इसमें रखे हैं, तले जा रहे हैं इसमें, और ये चाय और चटनी और प्रिंस के पापा के देखिए एक पकौड़ी हो गई और या फिर ये चीज़ें हो गई। तो बिना कचौड़ी पकौड़ी और ये कि समोसे, तो बिना मूली वगैरह के इनकी काम नहीं चलते। नमक वगैरह सही है, नमक मिर्ची सब सही है, बढ़िया। चलिए तो फिर इन्हें बढ़िया आए हैं और मैं बना ले रही हूँ। और ये देखिए प्रिंस को कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है तो इसलिए इतना बड़ा बड़ा बाइट ले रहा है, मस्त हो रहा है। तो चलिए आज की वीडियो मैं यहीं एंड करती हूँ और मिलती हैं एक नई वीडियो के साथ। और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और पहले नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राम राम।